हेलो एवरीवन, हेलो टिकटॉक, हेलो इंस्टा फैमिली, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? सो आज की ये लाइव है अबाउट कुकिंग अ हेल्दी रेसिपी, जो कि कीनवा, मसाला कीनवा विथ मूंग दाल है. प्रोटीन, फाइबर रिच, वेजिटेबल सब कुछ ऐड होगा इसमें. एक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फूड का. अगर आप कभी थोड़ा बैलेंस्ड मील ढूंढ रहे हो टू ईट, साथ में गुड फैट्स, सो एक सुपर फूड होता है कीनवा. और आज वाली जो रेसिपी है, इट इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन दैट. सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ चिकपी. अगर आपके पास काले चने हैं या आपके पास पनीर है, आप उसे ऐड कर सकते हो. यू हैव टोफू, आप वो ऐड कर सकते हो. हेलो विक्की, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. यहाँ पर मैंने कीनवा और जो येलो वाली मूंग दाल होती है उसको थोड़ा सा पहले सोक कर लिया है. ये जो छोले हैं ये मेरे पास बॉईल करके रखे हुए हैं. अब मैं थोड़ा सा इसमें अनियन चॉप कर रही हूँ. मैं इसमें हरे मटर ऐड करूँगी. और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जो कि आप मिनटों में, अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट है, आप कुकर में सीटी बजवाना चाहते हो, ईजिली यू कैन प्रेप दिस. अगर आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस के लिए रश कर रहे हो, मील प्रेप्स करना चाहते हो, यू कैन ईजिली मेक दिस. इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा सोर्स है, बिकॉज कीनवा इट्सेल्फ इज अ वेरी सुपर फूड. हाय दीपिका, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? KM09, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. सो आई एम गोना सी हियर एंड सी हियर, क्योंकि एक साइड पे टिकटॉक लाइव चल रही है और एक साइड पे इंस्टा लाइव चल रही है. सो आई वॉन्ट टू नो सम डाइट फूड फॉर द पीपल हु लिव इन हॉस्टल. ओके, सो आप हॉस्टल में रहते हो. हॉस्टल में आपको डिपेंड करता है हॉस्टल में आपको किस टाइप का फूड मिलता है. मैं जब हॉस्टल में थी, सो मेरे हॉस्टल में नॉर्मली दालें, सब्जियां, सैलड्स, ये चीजें आती थी. डिपेंड करता है कि आप जहां पर, जो भी स्टेट पे हो, क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं साउथ इंडिया साइड पे रहते हैं कि हमारे ऑफिस में, हॉस्टल में रसम आता है, साथ में सांभर आता है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो आती हैं. ठीक है, तो आप मुझे अगर थोड़ा सा बताओ कि वॉट एग्जैक्टली डू यू गेट, तो मैं आपको उस हिसाब से आई कैन हेल्प यू. सो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंस्टेंट पॉट को ऑन करूंगी और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 स्पून घी. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी जो आप बनाकर खा सकते हो. अगर आप मील प्रेप्स करते हो, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर दिस. बहुत ही ज्यादा जल्दी तैयार होती है. अपने पसंद से यू कैन ऐड एज मेनी वेजीज यू वॉन्ट, पर ये मेक श्योर करो कि कीनवा और जो येलो मूंग दाल है इसको हम थोड़ा सा पहले सोक कर लेंगे. यहाँ पे मैंने बॉयल चिकपीस लिए है. आप काले चने ले सकते हो, आपके पास राजमा है आप वो ले सकते हो, लोबिया है वो ले सकते हो. अदरवाइज अगर आपके पास पनीर की ऑप्शन है, यू कैन हैव दैट. जो मेरे कुछ नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स होते हैं, दे प्रेफर टू हैव अ मीट. तो ये वाली जो रेसिपी है, ये नॉर्मली जो 6 वीक्स का प्लान करते हैं गट हेल्थ का, वो खाते हैं इस रेसिपी को ड्यूरिंग देयर वेट मेंटेनेंस. और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो लीन बॉडी सिस्टम पे हैं, वर्कआउट्स प्लान पे या फिर 5-day drop पे हैं, तो वो ये वाली रेसिपी ड्यूरिंग देयर प्रोग्राम खाते हैं, जो कि कीनवा, मसाला कीनवा खिचड़ी बोल सकते हो आप. सो दिस इज अ रेसिपी फॉर 5-day drop एंड लीन बॉडी सिस्टम एंड जो कि. हेलो हरजिंदर जी, हेलो चरणजीत जी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हेलो प्रदीप, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. समथिंग दैट आई कैन मेक इन केटल बिकॉज फूड ओवर हियर इज वर्स. सो आप मुझे बताओगे वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम, आप कहाँ रहते हो? क्योंकि नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट्स को हफ्ते में, जो बहुत एक्सट्रीम कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते, आई अलाउ देम टू हैव वीक में 3 times दे कैन गो विद द कैंड फूड्स लाइक राजमा, चने. बहुत एक्सट्रीम डेली नहीं खाना है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव एज वेल. ठीक है, अगर आपको मीट्स वगैरह प्रेफर करते हो, अगर आप उस पर अगर थोड़ा सा चिकन सैलड वगैरह हो गया, इफ़ यू आर अ नॉन वेज ईटर, दैट्स अ वेरी वेरी क्विक एंड ईजी थिंग दैट यू कैन ऑलवेज प्रेफर टू हैव अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है तो. ठीक है, सो थोड़ा सा मुझे और आइडिया दो दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू गेट. अब मैंने इसमें करी लीव्स ऐड किए हैं. अब इस पे मैंने जीरा ऐड किया है.
हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. इसकी रेसिपी शेयर. हाँ, इसकी रेसिपी आई विल पोस्ट. ठीक है, डिटेल रेसिपी आई विल पोस्ट इट इन द कैप्शन, क्योंकि मेरे दोनों ही फोन इस टाइम पर ऑक्यूपाइड हैं, तो आई कैंट शूट द रेसिपी वीडियो. बट हाँ, मैं जरूर इसकी रेसिपी शेयर करूंगी. बट इट्स अ वेरी वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन, जो कि आप ऑलवेज प्रेफर कर सकते हो टू ईट. साथ में एक बिजी मॉम्स के लिए आज एक टिप देती हूँ. अगर आप सुपर बिजी होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता डबल डबल कुकिंग करने का, तो आपको मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर पोस्ट करने वाली हूँ. तो अगर आपको थोड़ी भी मील प्रिपरेशंस करना प्रेफर कर सकते हो, तो जब भी आप बाहर से टमाटर वगैरह लेकर आते हो, आई एक्चुअली ब्लेंड देम. उसको मैं क्यूब्स, आइस क्यूब्स बना के आई स्टोर इट. इसी तरीके से दाल वगैरह सोक करके उसका बैटर तैयार कर लिया, दैट इज़ द अनदर वे. तीसरा, अगर आपको चॉप्ड वेजीज फ्रोजन सेक्शन पे मिल जाती हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, अदरवाइज आप घर पर जो फ्रेश वेजीज लाते हो उनको चॉप करके रख सकते हो. जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया, उस पेस्ट को बना के फ्रीज कर सकते हो. ये सिर्फ टोमेटोज मैंने फ्रीज किए हैं, आप यू कैन डू एनीथिंग. तो इस तरीके से जब आप करते हो, तो बहुत जो बिजी रूटीन वाली मॉम्स होती हैं, वेट लॉस की जर्नी करना चाहती हैं, बट उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपना फूड कैसे मैनेज करें, घर वालों का कैसे मैनेज करें, तो इस तरीके की जो मील प्रिपरेशंस होती हैं, दैट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू. उसके बाद होता है कि जैसे आप, हम करीज बनाते हैं जब भी कोई, राजमा बनाया, चने बनाए, मटर पनीर बनाया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्यूरी यूज़ करते हैं, अनियन टोमेटोज मसाले डाल करके. आप अनियन टोमेटोज का पेस्ट बना करके मसाले भूंज के पहले ही अपने पास फ्रीज कर सकते हो, जिससे कि आपको जस्ट ये निकाला, अभी इसमें डालूंगी मैं, एंड इट इज़ ऑल डन. तो इस तरीके की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं मील प्रिपरेशन की, अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की, किचन को अपने टाइमिंग्स को मैनेज करने की, दिस इज़ रियली रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. अगर आप एक बिजी मम हो एंड यू आर ट्राइंग टू स्टे हेल्दी इन योर रूटीन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है. अब यहाँ पे मैंने प्याज ऑलरेडी, इट्स गोना बी डन वेरी वेरी सून. फाइव डे ड्रॉप में आप ऑलिव ऑयल, घी, बटर, यू कैन यूज एनीथिंग इन अ लेस क्वांटिटी. अगर आप 6 वीक्स वाला गट हेल्थ प्लान कर रहे हो, उस पर अलाउड नहीं है टिल द मेंटेनेंस, बट यस आपको इस पर अलाउड होता है. अब ये जो चिकपीज है बॉइल, ये मैं डाल दूंगी अनियंस के साथ. येस, दिस रेसिपी इज़ फॉर 5 day drop क्लीन बॉडी, या फिर अगर आप अपना प्रोग्राम फिनिश कर चुके हो, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर वेट, एक बैलेंस स्टेज पे हो, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस रेसिपी. ठीक है, अब साथ में जो मैंने यहाँ पे टोमेटोज फ्रीज करके रखे हुए थे, आई एम जस्ट गोना टेक द अनदर वन आउट एज़ वेल. सो ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी है, आई एम जस्ट गोना यूज दिस. सो टोमेटोज को मैंने जिंजर गार्लिक के साथ ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद जस्ट फ्रीज कर लिया आइस ट्रेस पे. सो दिस इज़ द अनदर ट्रे दैट आई हैव, और आप भी इस तरीके से कर सकते हो. अगर थोड़ा भी रूटीन में मैनेज करना, ऑर्गेनाइज रहने में प्रॉब्लम होती है, ये छोटे छोटे जो लिटिल एफर्ट्स होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हो तभी आपको हेल्प होगा, बट छोटी छोटी मील प्रेपरेशंस आर रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट टाइमिंग्स फॉलो कर सकते हो, ऑर्गेनाइज रह सकते हो, और साथ में यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. व्हाई यू आर सीइंग, आई एम सीइंग हियर एंड सीइंग हियर बिकॉज एक साइड पे मेरी टिकटॉक लाइव चल रही है, एक साइड पे मेरी इंस्टा लाइव चल रही है. सो पैसे कैसे सेव कर सकते हो, इज बिकॉज जब आप अपनी मील प्रेप्स करते हो, आप अपने ऑफ डेज पर, लाइक वीकेंड्स पर, आप अपनी सारी शॉपिंग करके आओ, ठीक है, एंड आई गिव यू सो मेनी टिप्स. जैसे मैंने अभी ये टोमेटो स्टोर करने की आपको टिप बताई, जिंजर गार्लिक पेस्ट को ब्लेंड करके यू कैन स्टोर इट एज वेल, ठीक है, दाल को सोक किया, दाल को बैटर बना के रख लिया, उसका चीला बन सकता है, उसमें कोई वेजी स्टफ करके पराठे बन सकते हैं,
इडली बन सकती है, उसका ढोकला बन सकता है, उसके अप्पे बन सकते हैं, ठीक है। दाल अगर आपके पास सोक की हुई रखी है तो आप उसको हाफ बॉईल करके यू कैन ट्राई टू मेक अ क्रंची सैलेड एज वेल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दाल को दाल के फॉर्म पर ही खाओ। देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज जिससे कि हम घर के बेसिक सिंपल फूड को एक ट्विस्ट के साथ खा सकते हैं। हेलो पिंकी जी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो यही चीज़ें होती हैं जो आपको टूवर्ड्स योर हेल्दी लाइफस्टाइल, एकदम से आप सोचोगे दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड, बट जब ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। द नेक्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव इज, हमारे घरों पर बोला जाता है कि खाना बनाओ राजाओं की तरह, है ना। और वो जब आप राजाओं की तरह घरों पे इतनी बड़ी बड़ी मील्स बनाते हो, वो क्या होता है, वो जितना एक टाइम पे खाया गया खाया जाता है, अदरवाइज वो फ्रिज में जाता है एंड आप उसका लेफ्ट ओवर यू जस्ट कीप ऑन ईटिंग ईटिंग ईटिंग। बच्चों ने खाना छोड़ दिया, आप उसका लेफ्ट ओवर खा लेते हो। खाना इतना एक्सट्रीम लेवल पे कुक कर लिया कि दो दो तीन तीन तक आप उसी को ही खाई जा रहे हो, राइट। अगर आप थोड़ा फूड को एक हिसाब से कुक कर रहे हो, आप जितना आपने खाना है, जितना आपकी फैमिली में यूज हो रहा है फूड, अगर आप उतना एटलीस्ट कुक कर रहे हो, मैक्सिमम नेक्स्ट मील तक इट शुड गेट फिनिश, इतना ही फूड कुक करो अगर आप एक हेल्दी ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज द सेकेंड टिप। तीसरी टिप, आप अपने बॉडी को थोड़ा सा लिटिल मूवमेंट करो। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, गो फॉर अ लिटिल वॉक, थोड़ा अपने वर्कआउट्स कर सकते हो। अगर जुम्बा प्रेफर करते हो, योगा प्रेफर करते हो, यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ योर बॉडी मूवमेंट एंड इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू डू अ लिटिल बिट अगर आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट और वो है, और वो होता है कि अपनी मील्स को बैलेंस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो जो आदत होती है ना हमारी, कि हमने इतनी बड़ी प्लेट ली है और इतनी बड़ी प्लेट में हमारे रोटी आ गई, चावल आ गए, दाल आ गई। जैसे नॉर्मली हमारे घरों पर क्या बनता है, राजमा चावल इज लाइक अ फूड, है ना। राजमा चावल हमें लगता है सब प्रॉपर मील, बट राजमा चावल इज नॉट अ बैलेंस्ड मील। तो अपनी मील्स को बैलेंस करना स्टार्ट करो। There should be a section for proteins. There should be a section for veggies. आप probiotics के तौर पर दही खाना start करो। आप salad ज़रूर लो, साथ में रोटी rice जो भी prefer करते हो खाना। There should be a proper balanced meal. ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेट भर के राजमा खा लिए और चावल खा लिया and that's what your food is. No. अगर आप एक healthy lifestyle follow करना चाहते हो, there has to be a routine to watch आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो और कितने पोर्शन पे खा रहे हो। क्योंकि अगर आप माइंडलेस ईटिंग कर रहे हो, यू गोना ऑलवेज स्ट्रगल। बहुत बार लोग कहते हैं मैं घर का ही खाना खाती हूँ पर फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। पर घर का खाना तो खा रहे हो, पर घर का खाना किस हिसाब से बनाकर खा रहे हो, कितने पोर्शन पे खा रहे हो और एग्जैक्टली क्या खा रहे हो। अक्सर जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो मैं अपने क्लाइंट्स को फाइबर के बारे में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि फाइबर क्यों, हम तो सब्जियां खा रहे हैं। पर अगर आप कभी भी उसको पढ़ोगे, यू गोना रियलाइज एक 9 कटोरी स्पिनच रॉ, ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ फाइबर यू हैव टू कंज्यूम डेली एज अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी। डू वी रियली कंज्यूम दैट? द आंसर इज नो, राइट। हम किस फॉर्म पे पालक खाते हैं? कभी कभार ऑमलेट में डाल लिया। नॉर्मली द मोस्ट प्रेफर्ड डिश इज पालक पनीर, है ना। सो यू नीड टू वॉच कि अगर हम घर का खाना भी खा रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली आर वी ईटिंग इट, हाउ मच पोर्शंस आर वी ईटिंग इट और किस टाइम पर खा रहे हैं। अगर आप मील प्रेप्स कर रहे हो, थोड़ी मील प्रेप्स करो, ऑलवेज बेनिफिशियल। मैंने ये मील प्रेप्स करना स्टार्ट किया था जब मैंने अपना वेट लॉस प्रोग्राम किया था और मैं आज तक मील प्रेप्स करती हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है ये सोचने में कि भाई हमने खाना क्या खाना है, ठीक है। और स्पेशली वीकेंड्स पे कि अरे यार सुबह उठे 11 बजे हैं, अब खाना क्या है, चलो कुछ नहीं तो ब्रेड्स खा लो। वीकडेज पे नॉर्मल होता है लोगों को कि सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं या फिर दे टेक एम्प्टी स्टमक चाय या कॉफी। इट्स समथिंग दैट यू नीड टू वॉच कि हाय आसिफा कैसे हो आप, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन,
कि हम जो खा रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली आर वी ईटिंग एंड हाउ न्यूट्रिशियस इट इज. लोगों को ये लगता है कि कम खाना इज अ सोल्यूशन, पर कम खाना इज नेवर अ सोल्यूशन. ईटिंग राइट इज अ सोल्यूशन. और जब आप वो चीज करते हो यू एक्चुअली सी द चेंज इन योर बॉडी. बहुत लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन इश्यूज जो होते हैं वो इसीलिए ही होने लग जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक अ बैलेंस्ड मील. तो जब आप ये बैलेंस्ड मील खाना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको समझ में आने लगता है कि अरे जो मेरे शरीर में इतनी इन्फ्लेमेशन थी जिसको मैं फैट समझ रही थी, इट वॉज बिकॉज आई वॉज हैविंग टू मच ऑफ कार्बी मील्स. तो आई नीड टू वॉच इफ आई नीड टू गेट हेल्दी. खाओ सब कुछ बट एक बैलेंस तरीके से खाओगे तो कभी भी कोई भी बॉडी में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. बट प्रॉब्लम इज कि हम सोचते हैं कि अगर एक डोनट खा लिया सो आई नीड टू ईट ऑल ऑफ द डोनट का पैकेट, राइट. सो कोई भी फूड खाते हो जस्ट ईट अ बैलेंस, ठीक है. थोड़े से हेल्दी स्वैप्स आप कर सकते हो. जैसे मैं आज ये कीनवा खिचड़ी बना रही हूँ, ठीक है. मैं चाहती तो दाल के साथ आई कुड हैव यूज्ड राइस बट आई हैव यूज्ड कीनवा हियर, ठीक है. आप ओट्स यूज कर सकते हो, मसाला ओट्स. आप वीट रोटी खाते हो उसको स्वैप अराउंड कर सकते हो विथ रागी, ठीक है. या फिर ओट्स का आटा बैटर बना लो, ओट्स को सोक करके उसका चीला ले सकते हो, ठीक है. टू मच ऑफ हैवी कार्ब्स को अवॉइड करके यू कैन ऑलवेज गो विथ सूजी का चीला, बेसन का चीला, ठीक है. काले चने के आटे का चीला, राइट. यू कैन स्वैप अराउंड द ऑप्शंस जो आप प्रेफर करते हो. दूसरा है कि जब भी हम अपनी इंडियन कुकिंग करते हैं ऑलवेज ट्राई टू यूज अ देसी घी और सरसों का तेल. बिकॉज जो ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल इज ऑलवेज गुड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ सैलेड ड्रेसिंग्स या आप कोई चीज को शेलो फ्राई कर रहे हो. क्योंकि ऑलिव ऑयल का एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है. और हम जिस हिसाब से कुकिंग करते हैं, हमारी सब्जियां बनती हैं, दालों में तड़के लगते हैं, जो भी एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो चुका होता है. सो फॉर इंडियन कुकिंग ऑलवेज इट्स प्रेफरेबल कि आप अपना सरसों का तेल यूज करो या देसी घी यूज कर रहे हो, ठीक है. हाँ, ऑलवेज रिजर्व योर ऑलिव ऑयल फॉर योर ड्रेसिंग्स, आपके सैलेड्स, या आप कोई भी चीज को एयर फ्राई कर रहे हो उस पर यू नीड टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ इट इज फाइन, राइट. बट ऑलवेज प्रेफर टू हैव सम गुड माइंड ऑप्शंस. अब इवनिंग टाइम पे जब लोगों को मंचिंग करनी होती है, स्नैकिंग की ऑप्शन, हम क्या करते हैं, ओरियो बिस्किट निकाल लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, रेमंड्स बना लेते हैं. ऑलवेज ट्राई टू हैव सम हेल्दी स्नैक्स रेडी विथ यू, जैसे कि मखाना हो गया, पीनट्स हो गया, जो पफ्ड राइस आती है उसके राइस केक्स आते हैं, उसको अपने पास रखो. Try to swap the unhealthier options with a little bit of healthy, जिससे कि आपका पेट भी भरेगा and at least you know कि आप उस चीज को guilt free enjoy कर रहे हो. Oreo का बिस्किट का पैकेट अगर आप एक बार खोलते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक बिस्किट खा के उसको रख देते हो, because it's that irresistible, right? तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पैकेट खाते हो और उसके बाद you go into a food guilt कि यार मैंने ये क्या खा लिया, ठीक है. डोंट हैव, अगर कोई भी चीज खाने के बाद आपको गिल्ट दे रही है दैट मीन्स यू इवन नो दैट इट इज नॉट राइट व्हाट आई हैव कंज्यूम्ड, करेक्ट. सो इसीलिए ट्राई टू ऑलवेज मेक सम हेल्दी वाइज चॉइसेस. और यहां पर ही यूज होता है, कितने लोग हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके रेसिपीज देखते हैं, मखाने की चाट बनाई है, ये किया वो की, बट हाउ मेनी एक्चुअली टेक अ स्टेप टू मेक इट इन अवर होम, वो भी बहुत मैटर करता है ना. सिर्फ रेसिपीज देख लेने से यू आर नॉट गोइंग टू ईट दैट, पर आप जब थोड़ा एफर्ट लेते हो ना अपने उसको, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी अ लिटिल लिटिल प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे. सो इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बी इन अ हेल्दी जर्नी तो दिस नीड्स टू बी फॉलोड. द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि हेल्दी खाना खाना इज लाइक अ डाइट. जितनी बार आप यही सोच करके हेल्दी फूड खाओगे ना, आप हमेशा एंड अप हो जाओगे गिव अप करने में, क्योंकि इट शुडेंट बी अ स्मॉल थिंग और इट शुडेंट बी अ ओवरनाइट थिंग. इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल चेंज,
अगर आपने वेट लॉस प्रोग्राम फिनिश किया है और आप चाहते हो कि आपका वेट मेंटेन रहे, लोगों को लगता है कि अरे वेट लॉस प्रोग्राम करें, कोई भी करें, कहीं वेट वापस ना बढ़ जाए, सबसे पहली चीज है अगर आप होम कुक्ड फूड खा के कर रहे हो, यू आर नेवर गोइंग टू गेन दैट वेट, प्रोवाइडेड आप उसको बैलेंस कर रहे हो। घर एक बार साफ करते हो तो क्या जिंदगी भर के लिए घर साफ हो जाता है क्या? कभी नहीं होता। वॉट यू डू इज अ मेंटेनेंस, आप घर की सफाई करते रहते हो, करें। सेम गोज टू योर कार एज वेल। गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलाया तो उम्र भर चलता है? कभी नहीं चलता। वॉट यू डू इज आपको उसको फ्यूल अप करना पड़ता है, एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली यू नीड टू डू विथ योर बॉडी। कि कोई भी चेंजेस आप अपनी लाइफस्टाइल पे कर रहे हो, दैट शुडंट बी जस्ट फॉर द टाइम कि आपने वेट लॉस कर लिया एंड काम खत्म। नेवर एवर डू दैट। ट्राई टू मेंटेन दैट एज अ लाइफस्टाइल, नॉट ओनली जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। बाहर का खाना, हैवी फूड्स खाना, फ्राइड फूड्स खाना हर कोई खाता है, राइट? पर डिपेंड करता है हर कोई के खाने में और आपके खाने में व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू टेक इट आउट, राइट? कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आर यू ईटिंग माइंडफुली? लोग नहीं खाते ना खाएं, आप तो खाओ। विद दैट जस्ट वन सिंगल थॉट यू आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द गेम फॉर योर ओन बॉडी। सो आप किसी भी तरीके से वेट लॉस कर रहे हो, कुछ भी, you are actually going to sustain that and you are going to maintain that, क्योंकि अगर आपने उसे as a lifestyle change लिया है तो। अगर आप उसको just एक short term सोच रहे हो, इसीलिए जो भी मेरे clients 6 weeks का मेरा gut health plan कर लेते हैं, उनको जब मैं exit stage पर लेकर जाती हूँ ना, maintenance का meal plan देती हूँ 30 days का, जो after 45 days आता है, straight away they are not on any of the supportive nutrition। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ वो मील प्लान फॉलो करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं, एंड दे लर्न द मेंटेनेंस, करेक्ट? अगर कोई शेक्स पी करके फॉर एवर तो वेट लॉस नहीं ना कर सकता, फॉर एवर शेक्स पी सकते हो, है ना? नहीं पी सकता कोई भी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्चुअली चूज समथिंग जो आप बैलेंस कर पाओ, एंड इवन आफ्टर फिनिशिंग द प्लान यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ इट, ताकि आप अपने वेट को, अपनी एक लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलो। बातों बातों में यहाँ पे मैंने कीनवा और दाल डाल दी है इंस्टेंट पॉट में। नाउ आई एम जस्ट गोना प्रेशर कुक इट फॉर लाइक 2 मिनट्स, ठीक है, सेट कर दूंगी। यू कैन ऑलवेज पुट इट इनटू अ स्लो कुक एज वेल अगर आपने कीनवा को बहुत देर से पहले सोक किया है। बट द प्रॉब्लम इज कीनवा को जितना अगर कुछ ज्यादा एक्सट्रीम कुक कर लोगे तो इट्स लाइक वेरी वेरी मुशी। सो मैंने बनाने के जस्ट 5 मिनट्स पहले कीनवा और मूंग दाल को सोक किया था। और ये रेसिपी है मेरे 5 डे डिटॉक्स प्रोग्राम की। जो लोग गट हेल्थ के 6 वीक्स को फिनिश कर चुके हैं और मेंटेनेंस पे हैं, फॉर यू इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी। प्लस इफ यू आर समवन जो कि वर्कआउट्स वगैरह करते हो एंड यू आर मेंटेनिंग वेट मैनेजमेंट उस पे हो, यू कैन ऑलवेज ट्राई ईटिंग दिस। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड हेल्दी स्वैप्स अपार्ट फ्रॉम द राइस, यू कैन ऑलवेज ट्राई कीनवा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो दिस वॉज वन थिंग। नाउ इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वी हैव अ अमेजिंग सेविंग गोइंग ऑन, 20% ऑफ ऑलमोस्ट ऑन वेट लॉस प्रोग्राम। चाहे आप 6 वीक्स का करो, चाहे आप 5 डे ड्रॉप करो, चाहे आप लीन बॉडी सिस्टम करो। अगर आप यूके यूरोप पे हो, ऑफकोर्स यूके यूरोप इस टाइम पे तो इट्स अ स्लीप टाइम फॉर देम, बट देर इज अ सेविंग देयर एज वेल। अगर आप यूएस कनाडा में हो, सो फॉर यूएस एंड कनाडा वी हैव अ अमेजिंग प्रमोशन कमिंग अप ऑन ट्रिम एंड ऑन वेरियस अदर पैकेजेस, जिसमें यू आर गेटिंग अ बॉडी फॉर्मिंग फोम फ्री इन कनाडा, एक्सेस फ्री बायोटिक्स फ्री इन USA. So if you want to be on the VIP list, you can send me a message and I can help you. So yes, 08 Australia mein jo saving hai usme aapka weight loss program is on sale, skin care is on sale, microbond shampoo and conditioner is on sale, plus 5 day drop as well is on sale. So that's how it is. हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, वेयर आर यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस
who are joining the live from Insta, and anybody has any questions who are live from TikTok, please free to drop in here and ask. किनुआ किसमें मैंने घी में बनाया है. I have made it in ghee. आप घी यूज कर सकते हो, सरसों का तेल यूज कर सकते हो, बट देसी घी इज ऑलवेज बेस्ट. हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है. हाई 271 ब्यूटी हबूक, हाउ आर यू. हेलो राखी जी, क्या हाल है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. So I will post the recipe for quinoa as soon as it gets ready. I will now wrap up a live on the Instagram and I will see you guys in the evening. Thank you. Bye-bye.